प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विरोधियों को वार्निंग दे दी है। तीखे शब्दों में उन्होंने चेतावनी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर कांग्रेस को कहा कि पीठ पीछे छुपकर वार क्यों करते हो, दम है तो सामने से आकर लड़ो। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस वाली जमात कान खोलकर सुन ले, अब की बार पिछली बार से भी कम सीटों पर सिमट कर रह जाओगे। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां तक कहा कि कांग्रेस के सपने आग में राख हो जाएंगे। वो यहीं पर नहीं रुके, मोदी का नाम सुनते ही राहुल गांधी को बुखार आने लगता है, वो कुछ भी बोलने लगते हैं। आखिर थर्ड राउंड से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन तीखे हमलों के पीछे वजह क्या है, कौन सा हिंट छिपा हुआ है, एक एक तस्वीर, एक एक समीकरण, एक एक बयानों के पीछे का अर्थ आप समझेंगे हमारी इस रिपोर्ट में। मोदी के खिलाफ हिट एंड रन, क्या इसके पीछे है राहुल और राहुल की पार्टी का इकोसिस्टम? सबूत मिल गया। राम मंदिर पर, आरक्षण पर, लोकतंत्र पर, 400 पार के नारे पर, क्या राहुल के दिमाग में ही आइडियाज आते हैं और कांग्रेस के हैंडलर्स फेक न्यूज बनवाते हैं, उसे एडिट करके फैलाते हैं? शुरुआती सबूत मिल गए। अब तक कितने फेक वीडियो बनाए गए, किन किन व्हाट्सएप ग्रुप पर ये वीडियो फैलाए गए, क्या ये सब कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के इशारों पर ही वायरल कराए गए, इसके भी कुछ सबूत मिल गए। चौंकाने वाली इन्वेस्टिगेशन में कांग्रेस के सीक्रेट मिशन का खुलासा हुआ है। मोदी विरोधी पार्टियों के ऑपरेशन फेक न्यूज का सीक्रेट स्क्रीनशॉट लीक हो चुका है। आरक्षण पर फैलाए गए कांग्रेस के झूठ का एक एक सबूत हैरान कर देने वाला है। राम मंदिर पर फैलाए गए राहुल के झूठ का फैक्ट चेक भी चौंकाने वाला है। आज राहुल और राहुल की पार्टी के हैंडलर्स का फैक्ट चेक होगा। मोदी के खिलाफ 24 वाली गहरी साजिश में शामिल हर एक चेहरा एक्सपोज होगा। बीजेपी कहती है इसमें सबसे बड़ा नाम राहुल गांधी का है। कांग्रेस की टाइमलाइन से पोस्ट किए गए राहुल के वीडियो का कैप्शन पढ़िए, शब्दों पर गौर कीजिए, स्ट्रेटजी, पेशेंस एंड फॉरसाइट। राहुल गाड़ी में बैठकर मोबाइल से वीडियो बनवाते हैं, शतरंज के दांव पेच सिखाते हैं, खुद को सबसे चालाक चेस प्लेयर बताते हैं, मगर अपना चेस वाला दिमाग राहुल सियासत में कैसे आजमाते हैं, ये आपको इस पोस्ट की आखिरी लाइन में दिख जाएगा। कांग्रेस के इस पोस्ट का कैप्शन कहता है, राहुल गांधी खेल में हमेशा आगे रहते हैं, आगे की कई चालों के बारे में सोचते रहते हैं। 24 के सियासी खेल में मोदी के खिलाफ राहुल ऐसी ही शातिर चालें बैक टू बैक चल रहे हैं, मगर राहुल की इस सियासी चाल में फेक न्यूज, फेक कैप्शन, फेक वीडियोस और मोदी के खिलाफ फेक नैरेटिव की मात्रा बहुत ज्यादा है। हम एक एक करके राहुल और राहुल की पार्टी के सारे झूठ को एक्सपोज करेंगे। शुरुआत राम मंदिर पर राहुल गांधी के सबसे बड़े झूठ से करते हैं। क्या राहुल राम मंदिर पर झूठ फैला रहे हैं? क्या राहुल मोदी को हराने के लिए राम मंदिर पर जातियों को आपस में लड़ा रहे हैं? ये जानने के लिए आपको सबसे पहले राहुल गांधी का 29 अप्रैल वाला ये बयान बहुत गौर से सुनना होगा। इसके बाद हम राहुल के झूठ को सबूतों के साथ एक्सपोज करेंगे। आपने राम मंदिर का इनॉग्रेशन देखा, धूमधाम से हुआ। उधर आपने एक गरीब किसान को देखा, आपको एक मजदूर दिखा। राष्ट्रपति आदिवासी हैं, पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है, राम मंदिर का उद्घाटन होता है, वो हेड ऑफ स्टेट है, मतलब प्रोटोकॉल में सबसे ऊंची हैं। उनको जाने तक नहीं दिया, शर्म की बात है, अंदर जाने तक नहीं दिया राष्ट्रपति को। क्यों? क्योंकि वो आदिवासी हैं। तो पूरा ड्रामा चल रहा है, उधर बॉलीवुड के लोग नाच रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का 24 घंटा भाषण चल रहा है। राहुल पहले दिन से ये फेक न्यूज फैला रहे हैं कि देश की राष्ट्रपति को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में इनवाइट नहीं किया गया,
राहुल की इस फेक न्यूज को पंक्चर करने के लिए यह तस्वीर ही काफी है, जब देश की राष्ट्रपति को मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष ने खुद प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण सौंपा था। राहुल और राहुल की पार्टी तो संसद से लेकर राम मंदिर तक देश की आदिवासी महिला राष्ट्रपति को लगातार टारगेट करते आए हैं। इसी आदिवासी राष्ट्रपति को हराने के लिए कांग्रेस ने बीजेपी के ही एक पूर्व नेता को उनके सामने खड़ा कर दिया था, जो कि सवर्ण जाति के हैं, यानी कायस्थ। मगर अब राहुल एक स्टेप आगे चले गए हैं, मोदी को आदिवासी विरोधी, दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी साबित करने के लिए। पहली बार राम मंदिर पर भी जाति की राजनीति करने लगे हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में कौन सी जाति के लोग गए, कौन से नहीं गए, इसकी गिनती करने लगे हैं। राम तो सबके हैं, मगर राहुल राम भक्तों में भी यही ढूंढने लगे हैं कि कौन जात हो। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लेकर अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा भक्त रामलला के दर्शन कर चुके हैं, मगर राहुल इन सब से जाति प्रमाण पत्र दिखाने को कह रहे हैं। राहुल जी ने कहा है कि आदिवासी होने के कारण प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति महोदय को बुलाया नहीं गया। ये वाक्य आज बोला गया या कब बोला गया मालूम नहीं, लेकिन कल छपा। 3 महीने पहले की घटना, 22 जनवरी की घटना को अखबार में 30 अप्रैल को छापा जा रहा है। इसके कुछ निहितार्थ हैं, इसलिए मुझको ये कहना पड़ा कि उन्होंने तथ्यों की जानकारी नहीं की, समाचार पत्र ने भी तथ्यों की जानकारी नहीं की। राहुल जी को किसी ने बताया होगा, उस बताने वाले व्यक्ति ने भी तथ्यों की जानकारी नहीं की। इसलिए मैंने लिखा है कि वो वक्तव्य का भाग जो अयोध्या से संबंधित है, रामलला से संबंधित है, वो असत्य है, निराधार है और भ्रामक है, भ्रम फैलाने के लिए किया गया। माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया और भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी दोनों को उनके घर जाकर निमंत्रण दिया गया था। तथ्य को जान लें, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत गरीब, मैं इसमें अल्पसंख्यक भी जोड़ता हूँ, सबको बुलाया गया, सब आए हैं। राम मंदिर पर राष्ट्रपति को भेजे गए न्योते पर, समाज के हर वर्ग के लोगों को भेजे गए इनविटेशन पर राहुल के झूठ का फैक्ट चेक तो खुद चंपत राय ने कर दिया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि राहुल झूठ फैलाना बंद नहीं करेंगे, जातियों को उकसाना बंद नहीं करेंगे। राहुल इन दिनों अपनी हर लाइन में जाति वाला नैरेटिव यूं ही फिट नहीं कर रहे, उसके पीछे एक प्लानिंग है। राहुल को पता है जाति वाला वॉल्यूम जब तक अप नहीं होगा तब तक धर्म वाला वॉल्यूम डाउन नहीं होगा। स्ट्रैटेजी सिंपल है, राहुल चाहते हैं कि अगले 5 राउंड के चुनाव जाति सेंट्रिक ही रहें, इसीलिए कभी दलित तो कभी ओबीसी ओबीसी करके मोदी को टारगेट कर रहे हैं। यहां तक कि अपनी सियासत में देश की आदिवासी राष्ट्रपति को भी घसीट रहे हैं, और बाकी का काम राहुल की पार्टी के हैंडलर्स फेक वीडियोस बनाकर मोदी के वीडियो को आधा एडिट कर करके सोशल मीडिया पर परोस रहे हैं, और ये सारे हैंडल्स कांग्रेस पार्टी से डायरेक्टली लिंक्ड हैं। पहले ये पूरी लिस्ट देखिए, फिर आपको एक एक करके सबूतों के साथ इनकी फेक न्यूज वाली ऑनलाइन फैक्ट्री की करतूत दिखाएंगे। इस लिस्ट में तेलंगाना कांग्रेस है, झारखंड कांग्रेस है, हिसार कांग्रेस सेवा दल है, गांधीनगर कांग्रेस सेवा दल है, महाराष्ट्र कांग्रेस सेवा दल है, जम्मू कश्मीर कांग्रेस सेवा दल है। लिस्ट इससे भी कहीं ज्यादा लंबी है, जो लगातार फेक न्यूज और मोदी की एडिटेड वीडियो घुमा रहे हैं। एमपीज ने साफ कह दिया है
कि अगर वो कुछ घंटों पहले कांग्रेस के इस फेक इकोसिस्टम ने आरक्षण के मुद्दे पर मोदी के एक वीडियो को इस तरह से एडिट करके फैलाया जिसे सुनकर आपको लगेगा कि मोदी जैसे यही कह रहे हैं कि अगर वो 24 में जीत जाएंगे तो आरक्षण चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्रोनोलॉजी समझिए, कांग्रेस पार्टी में राहुल और राहुल के करीबी खुद आरक्षण खत्म करने वाला ये टेक्स्ट अपनी टाइमलाइन पर चिपकाते हैं, कांग्रेस अध्यक्ष तक ये फेक न्यूज फैलाते हैं कि मोदी अगर 400 के पार गए तो गरीबों और पिछड़ों का अधिकार छीन लेंगे। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप जैसे ही आरक्षण पर ये फेक लाइन लेती है, सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियोस की बाढ़ आ जाती है। नहीं करता और खासकर मोदी के नए पुराने वीडियोस को आधा एडिट करके सिर्फ 8 सेकंड का हिस्सा लेके वायरल करा दिया जाता है। और ये सब कैसे हो रहा है, पहले इसके सैंपल्स आपको दिखाते हैं। ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूँ। सैंपल नंबर 1 देखिए, इसमें आप राहुल और मोदी को देख सकते हैं। पोस्ट का कैप्शन और वीडियो के ठीक ऊपर का कैप्शन पढ़िए, आपको लगेगा मोदी तो सच में आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह फेक है। यकीन नहीं होता तो कांग्रेस के फैलाए फेक वीडियो और मोदी के ओरिजिनल वीडियो को गौर से सुनिए। नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके एमपीज ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो संविधान को बदल देंगे और रद्द कर देंगे। मोदी जीत जाएगा तो आरक्षण चला जाएगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस ने अपनी फ्लॉप फिल्म रिलीज की है। कांग्रेस की इस फिल्म में 2 डायलॉग है, वो सारे लोग ऊपर से नीचे गुनगुना रहे हैं। 2 डायलॉग गुनगुना रहे हैं। पहला डायलॉग है, मोदी जीत जाएगा तो तानाशाही आ जाएगी, मोदी जीत जाएगा तो आरक्षण चला जाएगा। ऐसा झूठ चलाते रहते हैं।